लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वॉचमैन बोला कि तुमको बाई चाहिए करके चाहिए तर बोला ना इतर में जाते ए चल चल सॉरी जाती मैं एक मिनट क्या हुआ साहब हो साहब कौन है तू ए मेरी बाइको है क्या इधर बाइको अरे मेरी बीबी रुक्मणी एक मिनट साहब मेरा मर्द है साहब रुक्मणी थाम रे रुक्मणी साड़ी किसने दिया तेरे को देख ले कौन है क्या मतलब कौन आए
आयुके? हाँ ठीक हूँ यार। क्या हो गया, अपने निशाने खराब हो गए क्या हो गए? अरे कुछ नहीं, काम बढ़ गया, फिर से इस साले को ढूंढना पड़ेगा। इस साले ने तंग कर दिया यार। बोल रहे गलती हो गई और बोल रहा है कुछ किया भी नहीं। एक मिनट छोड़ दे इसे, इधर आ। इधर आ, क्या नाम है तेरा? साहब मिलिंद साहब। बोरिस को कब से जानता है? क्या साहब? बोरिस को जानता है कि नहीं? नहीं साहब। सच बोल, सच बोल। छोटा मोटा काम देते थे वो करता था साहब। मैं छोटा मोटा काम करता है, उनका मार इधर का उधर करता है, ये देखो पैसे। झूठ बोलता है। नहीं साहब, मुझे पैसे की जरूरत नहीं साहब। साहब मेरी माँ की आंखों में मोतिया है साहब। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन नहीं किया तो माँ की आंखें चले जाएंगी साहब, मुझे छोड़ दो। माँ बाप की कहानी मत बोलवे। एक मिनट, इधर पढ़ता है तुम? हाँ साहब पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी दसवीं में हूँ साहब। जाने दो इसे, पैसे भी दे दो इसे। चले। क्यों छोड़ दिया इसे? पहली बार गलती की इसने, और वो भी मजबूरी में। हर इंसान को एक चांस तो मिलना चाहिए। इसे हम अंदर डाल देते तो ये क्रिमिनल बन के बाहर निकलता। अभी कौन सा सुधर जाएगा? अरे नहीं सुधरा तो तू है ना सुधारने वाला। सर जर्नलिस्ट लोग आए हुए हैं, उनका क्या करना है? अरे ये जाएगा। तुम जाओ तुम्हारा काम है। मैं जाऊँ? तुम जाओ, तुम्हारा काम है। चलो। तुमने उस लड़के को छोड़ के अच्छा नहीं किया, उसने क्राइम किया, उसके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। इतनी मामूली सी बात के लिए? तेरे लिए होगी मामूली सी बात, मेरे लिए मामूली बात नहीं है। तू हमेशा ऐसा करता है। वो लड़के ने झूठा रोना धोना किया, तूने चलो साहब माफ कर दो, अब बड़ा क्राइम करो उसके बाद हम तुम्हें पकड़ेंगे। विनय कानून के साथ इंसान की भी समझ रखनी चाहिए। छोटा बच्चा है, मजबूरी में उसने ये क्राइम किया। अरे मजबूरी की ऐसी की तैसी यार, क्या गारंटी है कि आगे जाके वो बड़ा क्राइम नहीं करेगा? और क्या गारंटी है कि वो जेल से निकलकर बड़ा क्रिमिनल नहीं बनेगा? मुझे लगा बच्चा है उसे मौका देना चाहिए, सो मैंने दिया। तुमने क्या थाने में अपनी अदालत खोल ली है? अदालत का काम अदालत करेगी, हमारा काम है क्रिमिनल को पकड़ के अदालत तक पहुंचाना, बस खत्म। अभी जज डिसाइड करेगा कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है, मजबूर है कि नहीं है। साहब जी का मूड खराब हो गया, बड़ा गुस्से में है। अच्छा वो लेट पहुंचे, अपनी बीवियां सो रही होंगी, चुपचाप अंदर घुस जाएंगे। अरे सर आप लोगों की बीवियां तो सोई होंगी, मेरी बीवी तो ऊपर से राह देखती होगी। क्यों पेड़ पे बैठी रहती है? मैं क्या करूं बताइए ना। अरे तो मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं। तुम लोग शादी क्यों करते हो, बीवियों से इतना परेशान रहते हो? तो मैदान में उतरने के बाद तुम्हें पता चल गया, आ जाओ। तेरा भी टर्न आएगा बेटे। क्यों शालिनी? हाँ सर उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, और यहाँ के शादी की फाइल दबा के बैठे। एप्लीकेशन दी है मैंने पर रिश्वत पे नहीं लेते। देखो सर आप। नहीं 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 नहीं, तुझे मेरी रिकमेंडेशन चाहिए ना, ला फाइल दे मुझे। पक्का सर। चलो बाय बाय साहब।
पापा, ये भी कोई टाइम है आने का? मेरे सारे फ्रेंड्स शाम से वेट कर रहे थे क्लब जाने के लिए, और आप तो आए नहीं। दैट्स नॉट फेयर। बेटा मैं पता है आप पुलिस ऑफिसर हो, क्रिमिनल्स को कैच कर रहे थे, बट यू माय फादर आल्सो। बेटे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? पापा बात मत बदलो। कैन वी कॉम्प्रोमाइज, कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि तू? नो प्लीज, नो आई एम सॉरी, नो। तो फिर मैं क्या करूँ? अगर आप मुझे, मेरे दोस्तों और मम्मी को नेक्स्ट संडे बोटिंग क्लब ले गए, तो मैं, मम्मी और मेरे दोस्तों की कमिटी आपको फॉरगिव करने का सोच सकते हैं। अच्छा, हाँ ओके। मम्मी भी क्या इतनी गुस्सी है? वो तो आप खुद फाइंड आउट कर लो। बट आंट यू लेट, सुबह स्कूल जाना है ना, चल सो। बदमाश। Thanks for the lovely card. Happy anniversary. Happy anniversary. You forgot me this time? इस बार मैं भूल गई, हमेशा तुम भूलते हो। But this time you forgot. अच्छा, शाम का क्या प्रोग्राम है? Anything? Whatever you say. One second, huh? हाँ डिसूजा बोल। अजय हम लोग बाहर आ गए, बोलो पार्टी का क्या करना है। ठीक है, बस मैं तैयार होकर आया। शाम का प्लान नहीं बताया आपने। ओह हाँ यार, फोन आया था ना, मुझे दो दिन के लिए मुंबई जाना है। बॉरिस का केस जैसे खत्म होगा ना, आई टेक वन वीक ऑफ एंड देन वी गो टू सम एक्सोटिक प्लेस लाइक गोवा। ओके ओके, गोवा? हाँ गोवा। हेलो भैया, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। अच्छा सुन, आज मैंने अंशु के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। वाओ पार्टी। एक काम करना, उसे पूरा दिन बिजी रखना, ओके? ताकि मुझे पूरा दिन घर में तैयारी करने के लिए मिले, ओके? ओके भैया, समझ लीजिए काम हो गया। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। क्या बात है, सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी वाड़ी। अरे हाँ यार, आप लोग सब आना, लेकिन अकेले नहीं, वाइफ्स के साथ आना। लो, लेकिन इसकी बीवी थोड़ी है। क्यों, तेरी बीवी तो है ना। ध्यान रखना, बीवी को पहले से पता ना हो, कहीं बड़ा सरप्राइज नहीं देते। अरे वो तेरे जैसे थोड़ी है, शकी। पर अकेले मत आना, किसी को तो साथ में लाना ही पड़ेगा। अपने हस्बैंड को लेके आऊंगा। अरे ये नहीं बताया तूने।